दोस्तों, हमारे लाइफ में कभी कभी कोई कोई सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं जब हम अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहते हैं और वो हमारी बातों को मानने से इनकार कर देती है। और दोस्तों, आगे चलकर जब हम उन्हें कहीं जाने के लिए कहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो अपनी जिद पर अड़ जाती है कि मुझे नहीं जाना, नहीं करना। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशंस में लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लगती है। और दोस्तों, ये सिचुएशन सिर्फ लड़कों के पास ही नहीं आती, ये सिचुएशंस लड़कियों के पास भी आती है। क्योंकि दोस्तों, जब लड़कियाँ भी कभी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ कहती है तो उनके बॉयफ्रेंड भी उनकी बात मानने से कर देते हैं और इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान आपकी बातें नहीं मानता है तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि वो आपकी बातें हंसते हंसते मानने को रेडी हो जाए। दोस्तों, किसी भी इंसान को अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो चलिए आज मैं आपको वही ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी इंसान आपकी बातें हंसते हंसते मानने को रेडी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी बातें नहीं मानता है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान को अपनी बातें मनवा सकते हैं। पर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन ट्रिक्स का कभी भी गलत उपयोग मत कीजिएगा। नाउ दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, सेल्फ अबेजमेंट, यानी कि खुद की इंसल्ट करा के खुद को ही बचा लेना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसका रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाता है, तो वो घर आकर अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मैं किसी काम का नहीं हूँ, चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं पर मैं कभी पास नहीं हो सकता, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। तो जब वो बच्चा इस तरीके से रिएक्ट करता है तो उसकी मम्मी उससे कहती है, बेटा कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो तुम अगली बार और मेहनत करना, देखना तुम जरूर पास करोगे। तो दोस्तों, ये होता है सेल्फ अबेजमेंट, यानी कि उस बच्चे ने खुद की इंसल्ट करके खुद को ही बचा लिया। अगर वो बच्चा ऐसा नहीं करता तो शायद उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती और हो सकता था उसकी मम्मी उसे घर से भी निकाल देती। तो ये होता है सेल्फ अबेजमेंट, यानी कि उस बच्चे ने खुद की इंसल्ट करके खुद को ही बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी मुसीबत में हैं तो आप भी इस तरीके का यूज कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, प्लेजर इंडक्शन, यानी कि अगर आपके दोस्त को आपसे कोई काम करवानी है या आपको अपनी कोई बात मनवानी है तो ये लोग आपसे कहेंगे कि यार इस काम को करना, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आपके दोस्त को कॉलेज जाने का मन नहीं है और वो चाहता है कि आज आप भी कॉलेज ना जाएं, तो वो आज आपके कॉलेज को रोकने के लिए आपसे कहेगा कि यार आज कॉलेज के बजाय मूवी चलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। अगर इसके अलावा बात करें तो अगर आपका कोई फ्रेंड ड्रिंक करता है और आप ड्रिंक नहीं करते हैं, तो अगर आप उसके साथ रहेंगे तो वो भी चाहेगा कि आप भी ड्रिंक करें, और इसलिए वो अपनी बात मनवाने के लिए आपसे कहेगा कि यार एक पैग लगा कर तो देख, सारे गम भूल जाएगा और तू खुशी से झूमने लगेगा। तो दोस्तों, यही होता है प्लेजर इंडक्शन, यानी कि अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप उसे ये एहसास दिलाएं कि इस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोकेशन, यानी कि अगर कोई आपसे कोई काम करवाना चाहता है तो उस काम के लिए आपको वो रिस्पॉन्सिबल बना लेगा। यानी कि अगर आपके दोस्त को मूवी देखने जाना है और वो चाहता है कि आप भी उनके साथ चलें, तो आकर आपसे कहेगा कि यार चलना मूवी चलते हैं, तो अगर आप उससे मना कर देंगे कि मुझे नहीं जाना मुझे काम है, तो वो आपसे कहेगा कि पर मैंने तो दोनों की टिकट बुक करवा ली, अब आपको जाना ही होगा, क्योंकि उस काम के लिए उसने आपको रिस्पॉन्सिबल बना लिया। सो दोस्तों, यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोकेशन, कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उस काम के लिए आप उसे रिस्पॉन्सिबल बना लो। ना दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, साइलेंस ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है, अगर आप इस तरीके का यूज़ करेंगे तो इससे आप किसी को भी अपनी बातें मनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी से कुछ कहेंगे और अगर सामने वाला आपकी बात मानने से इनकार कर दे तो आप फिर उससे बात करना बंद कर दे, यानी कि आप साइलेंस रहना स्टार्ट कर दें। उसके बाद वो इंसान आपसे खुद कहेगा कि प्लीज़ यार तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम करेगा जिन लोगों को आप जानते हैं या वे लोग आपको जानते हैं। तो दोस्तों, आप इन सारे तरीकों का यूज़ करके किसी को भी अपनी बातें मनवा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।